बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं राइट सो वी नो दैट बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन दैट मीन्स प्रजेंट ऑफ ओ एच माइनस आयन राइट एच प्लस जो है वो हमारा सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है एच प्लस जो है एच प्लस आयन दिस मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक राइट सो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस ओ माइनस को ऐड कर दें राइट तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होते जाएगा क्योंकि बेसिसिटी जो है वो बेसिकली OH माइनस के कारण ही होता है राइट और अगर हम एच प्लस को ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर को एसिडिक नेचर में सॉल्यूशन में जो है एसिडिक नेचर इंक्रीमेंट होगा सो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एडिंग एच प्लस आयंस तो ये गलत हो गया क्योंकि अगर हम एच प्लस आयंस को ऐड करेंगे तो वो हमारा ओ एच माइनस को कंज्यूम कर देगा बिकॉज एच प्लस प्लस ओ एच माइनस एंड विल फॉर्म एच टू ओ पर हमें पता है कि एच टू ओ जो है वो न्यूट्रल होता है दैट मीन्स की पी एच जो होती है अराउंड सेवन होता है राइट right? सो so, अगर हम एच प्लस को ऐड करेंगे तो हमारा जो भी बेसिक बेसिक सॉल्यूशन होगा वो उसकी जो बेसिसिटी होगी या फिर स्ट्रेंथ जो होगी वो और घट जाएगी अगर हम डिक्रीज करें ओ एच माइनस आयन को तो अगर हम एच माइनस सी जो है जो बेसिक कंडीशन को किसी भी सॉल्यूशन में जन्म देता है अगर हम इसे ही घटा देंगे तो ऑबियसेंस में जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी और थर्ड ऑप्शन इज बाई एडिंग ओ एच माइनस आयन तो ये करेक्ट है क्योंकि

दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर